नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि बिहार का ये चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में अगर कांग्रेस धीरे धीरे रिवाइव करने लगी है और कांग्रेस नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ने लगी है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस एक बार फिर से इस बात को समझ चुकी है कि अब परिवर्तन का समय आ गया है, और परिवर्तन के समय में मजबूत लड़ाई अगर नहीं लड़ी जाएगी तो फिर हाल जो पहले हुआ था वही होगा। स्थिति यह है कि एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को अपना लिया है, और प्रशांत किशोर ने बीजेपी से जम करके लोहा लेने के लिए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब आपको बता देना है कि इसका असर बिहार पर कितना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान स्थिति में जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करी, सोनिया गांधी बाहर निकल करके जिस तरह से पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रही हैं, और राहुल गांधी ने इस पूरे कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, जो योजनाएं बनाई हैं उसे लेकर के अब लोग चर्चा करने लगे हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जीवनदायिनी शक्ति की जरूरत है, और शायद जीवनदायिनी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आए हैं। एक बार फिर से प्रशांत किशोर, जिन्हें कि कहा जाता है कि राजनीतिक रणनीतिकार हैं और उनके जीत का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, हालांकि कांग्रेस के साथ बोल रहे थे यूपी की जब असेंबली चुनाव थी तो उस समय उन्होंने कांग्रेस को साथ दिया था, पर उसके परिणाम बेहतर नहीं आए थे। इसके अलावे उनका जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 2014 में पोस्टरिंग किया था, और 2014 में जो पोस्टरिंग उन्होंने किया था उसका परिणाम आपके सामने है। हालांकि प्रथम के बाद द्वितीय खंड में भी नरेंद्र मोदी उससे ज़्यादा, जो 2014 में उनको वोट आए थे, सीटें आई थी, उससे ज़्यादा 2019 में आए। पर कहा यह जा रहा है कि जो रास्ता प्रशांत किशोर ने बनाया था उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी उसी का प्रयोग किया था। अब स्थिति यह है कि जब प्रशांत किशोर 2014 में छोड़ करके जब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ आ गए, तो 2015 में भी उन्होंने अपने परिणाम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को चौंकाया था, और बिहार की सत्ता से उन्होंने दूर रखने का काम किया था। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी वो कई राज्यों में चुनाव की रणनीति बना चुके हैं। वाईएसआर कांग्रेस के लिए भी उन्होंने काम किया था, जिसका परिणाम आपके सामने है। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल के लिए दिल्ली में काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे ध्वस्त हो गए थे, और एक बार फिर से केजरीवाल ने बड़ी जीत हासिल की थी, और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी के लिए वो काम कर रहे हैं, बिहार के लिए वो क्या करेंगे अभी ये फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, और मध्य प्रदेश में जो भी घटना हुई कमलनाथ सरकार के साथ, जिस तरह से शिवराज सिंह सत्ता में आए और इसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह की रणनीति की, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें जाने के बाद से चुप्पी साध चुके हैं। आपको पता है कि जो जो अलग अलग दल से, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, या जिस दल से भी लोग बीजेपी में गए हैं, वो शुरुआती दौर में तो उनकी चमक धमक बहुत होती है, लेकिन जैसे ही पार्टी ज्वाइन करते हैं और अपना सारा चिट्ठा, अपनी चाबी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास देते हैं, वो चाबी लेकर के आराम से बैठ जाती है, और जो लोग जाते हैं उन लोगों का हाशिए पर जाना तय हो जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से एकदम चुप हो गए हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो है कि नहीं है, राजनीति में है या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या करेगी, ये सब बातें तो अलग है, लेकिन हो सकता है राज्यसभा भेजने की भी उनकी तैयारी हो, पर ये सब बातें 19 तारीख के बाद पता चलेंगी, क्योंकि 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश का भी उसमें आंकड़ा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब चुप हो गए हैं। 22 विधायकों को लेकर उन्होंने सत्ता परिवर्तित कराया था, और अब 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। उन 24 सीटों पर कमान जो है कांग्रेस ने और कमलनाथ ने मिलकर के दे दिया है प्रशांत किशोर के हाथ में, और प्रशांत किशोर ने यह दावा भी किया है, लगभग जो बातें हमारे पास आ रही हैं भीतरखाने से, कि प्रशांत किशोर ने सत्ता वापसी का प्रण किया है, और अगर यह सत्ता वापसी हो जाती है तो निश्चित रूप से बिहार में भी प्रशांत किशोर का एक बड़ा जोर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार में काफी एक्टिव हैं और बिहार को बदलने के लिए बात बिहार की करते हैं। इसके साथ ही बिहार में भी इसी साल चुनाव होने हैं, और जो परिणाम मध्य प्रदेश में होंगे वही परिणाम, उसी को दोहराने का प्रयास
लगभग बिहार में भी होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीते या फिर कांग्रेस जीते। अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के पास एक लीडिंग पॉइंट होगा और वो लीडिंग पॉइंट निश्चित रूप से आरजेडी के साथ मिलकर के एक बेहतर परिणाम बिहार में भी दे सकता है। मानसिक रूप से दबाव बनाने में जदयू और भाजपा पर निश्चित रूप से कांग्रेस कामयाब होगी। और प्रशांत किशोर अगर कहीं बिहार में भी अपना कांग्रेस के साथ गेम शुरू करते हैं तो ये एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।